वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आ गई हूँ फिर से मीशो हॉल लेकर, और इस बार मैंने परचेसिंग करी है ज्वेलरी की, चाहे वो ऑक्साइड ज्वेलरी हो, कोरियन ज्वेलरीज हो, ट्रेंडी ज्वेलरीज हो, काफी सारी ज्वेलरीज मैंने परचेसिंग करी है, 6 to 7 होंगी। एंड काफी अच्छी अच्छी है, हर ओकेजन पे आप डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। जितनी भी ज्वेलरीज है वो 250 से ज्यादा की नहीं है, और मे भी हो सकता है 200 के अंदर ही हो। सो एज यूजल जितने प्रोडक्ट दिखाऊंगी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साइट में आपको ट्राई ऑन दिख जाएगा कैसे लग रहा है मेरे पर वेयर करने के बाद, क्वालिटी एंड ऑल सारी चीज के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी जिस प्राइस पे मुझे मिला है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, जो नीचे रेड कलर की घंटी दी है ना उसको टिंग टिंग करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और फटाक से देख सके मेरी वीडियो को। एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे अवेलेबल हूँ। एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं अपनी पिक्स एंड ऑल शेयर करती रहती हूँ। सो विदाउट फर्दर एनी डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो मेरा फर्स्ट परचेज है वो है ये ब्लैक, कह सकते हैं मल्टी कलर में झुमकी है, ये झुमका टाइप का देख सकते हैं। एंड इसमें काफी सारे कलर्स हैं, मैं आपको पास का लुक देती हूँ, और नीचे भी घुंघरू लगे हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो ब्लैक है जो उसके अंदर का वर्क किया गया ना, बहुत ही ज्यादा फाइन वर्क है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है वेयर करने के बाद। एंड ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जब यहाँ पे आएगा ना ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो नीचे घुंघरू दिए ना ये आवाज करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा। इसमें आपको दो कलर्स और भी मिल जाएंगे, तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 3 शेड्स है। अगर आपको किसी इंडियन वेयर के साथ पहनना हो वो भी कलरफुल आपका आउटफिट हो तो आप डेफिनेटली इसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स दिए हैं, जो स्टोन दिया हुआ है ये चमक रहे हैं, तो काफी फाइन और काफी अच्छा वर्क किया गया है इस पे। तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, तो दिस इज माई फर्स्ट परचेज। सेकेंड मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मंगवाई है, तो ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी चेन की, तो जो इसकी चेन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, देख सकते हैं बिल्कुल भी रफ नहीं लग रहा है, कहीं से टूटी नहीं लग रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी चेन की। बात करते हैं इसके पेंडेंट की, तो ये इसका पेंडेंट है देख सकते हैं। एंड जो अंदर ये पिंक कलर का है इसके अंदर, और ये ऊपर मिरर का वर्क किया गया है ये देख सकते हैं। एंड ये इसको ये घुंघरू साइड में दिए गए, ये अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं वेयर करने के बाद, तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। एंड मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके साथ भी इसको वेयर कर सकती हूँ, इट्स लुक वेरी मच प्रिटी, देख सकते हैं इस तरीके से। एंड इसमें आपको भी बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, एंड अंदर भी आपको कलरफुल कलर मिल जाता है। एंड इस पे भी यहाँ पे वर्क किया गया है, बहुत ही अच्छा वर्क, कुछ बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि चुभने वाला क्वालिटी है, बिल्कुल भी नहीं, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी। इसके साथ कान के इयररिंग्स भी हैं, तो ये भी कुछ इसी तरीके से हैं। यहाँ पे बीच में छोटा सा पिंक है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है बैक में इस तरीके से, नीचे ये घुंघरू टाइप के दिए गए देख सकते हैं, और ये बचते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो क्वालिटी इसकी भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। देन नेक्स्ट मैंने ट्रेंडी मांग टीका सेट, तो उसके साथ मुझे इयररिंग्स भी मिले हैं, तो पहले मैं आपको उसके इयररिंग्स दिखा देती हूँ। पैकेजिंग की बात करें ना, तो जिस बार मुझे जितने भी इयररिंग्स रिसीव हुए सबकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, किसी के डिब्बे टूटे नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है पर्सनली मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे इयररिंग्स रिसीव हुए हैं। तो ये है इयररिंग्स का सेट, ये देख सकते हैं, वाओ, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। अगर आप इसको ना ब्लैक सूट के साथ या ब्लैक किसी ड्रेस के साथ पहनेंगे ना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेंगे, इवन आप इसको लहंगे पे भी पहन सकते हैं। एंड मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ इस तरीके से, मतलब आई लव इट, लिटरली आई लव इट, देख सकते हैं एक एक चीज का जो वर्क किया है ना वो बहुत ही फाइन वर्क है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, देख सकते हैं इसका जो पास में ये वर्क किया, मिरर का वर्क किया गया है, अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बैक में इस तरीके का है। नीचे ये आजकल जो बहुत ज्यादा ये घुंघरू टाइप के चल रहे ना, आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में घुंघरू, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये हुआ एयरिंग। अब मैं इसका मांग टीका दिखाती हूँ, मांग टीका तो और भी ज्यादा अच्छा है इसका, ये है इसका मांग टीका, देख सकते हैं काफी चौड़े पे है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, वाओ वाओ नाइस,
मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं खुशी से समझ सकती हूँ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आजकल इस तरीके के मांग टीका बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आप सिंगल मांग टीका पहन सकते हैं, सिंगल इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, मगर लिटरली क्वालिटी एंड ऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मांगते मैंने तो आपको वेयर करके दिखा दिया कितना ज्यादा इसी ड्रेस में कितना ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप मेकअप एंड ऑल करेंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और डेफिनेटली मैं इसको रखने वाली हूँ। आई लव इट, क्वालिटी 10 out of 10 है। एंड इसमें आई थिंक कोई भी कलर या कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंगल यही है, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा लिटरली अच्छा लगा। तो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो अब मैं चोकर दिखाऊंगी, अमेरिकन डायमंड में चोकर है, बट काफी ज्यादा ट्रेंड में, आपने बहुत सारे लोगों को उसको वेयर करे हुए भी देखा होगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मुझे पैक ऑफ 2 पड़ा, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं ऐसे करके आप पहन सकते हैं, काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये मोती काम है ये देख सकते, बट बहुत ही लाइट वेटेड है। एंड ये जो जिग-जैग जिसका पैटर्न है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसमें आपको ये हुक दिया गया है, ये इस तरीके से हुक है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ओपन होगा एंड आप इसको इसके अंदर टक कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, जिसको पैक ऑफ 2 मिला था तो ये पहला है, और मुझे छोटे छोटे डिब्बे में मिला था, और ये इसका सेकंड है, ये ब्लैक कलर में है, बट ये सो ये सेम पैटर्न में देख सकते हैं, सब कुछ सेम है, बस कलर ब्लैक दिया गया है, एंड ब्लैक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप वेस्टर्न वेयर के साथ इसको इजिली वेयर कर सकते हैं, एंड क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी एक भी मोती का कलर भी फेड नहीं है, इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। मतलब मीशो काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है अपनी क्वालिटी को लेकर। इसमें कोई भी कलर नहीं है, सिर्फ पैक ऑफ 2 है, ये मैंने जो पहला वाला दिखाया और ये ब्लैक वाला। सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्यूट सा पर्स टाइप में इयररिंग्स है, ये कोरियन टाइप में इयररिंग्स है, देख सकते बहुत ही क्यूट है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो ऊपर में सिल्वर का वर्क किया है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसको इस तरीके से आप ओपन करेंगे, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से, एंड आपको ऐसे डाल के एंड वेयर कर लेंगे, बट बहुत ही लाइट वेटेड है, वेट में भी बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं लग रहे, बट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अगर आप चाहे तो उसको वेस्टर्न वेयर के साथ इसको पैरअप कर सकते हैं, या कोई कैजुअल आप गेटअप लिए उसके ऊपर भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कैजुअल के साथ, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट जो मेरा परचेज है वो है मिरर ज्वेलरी सेट, एंड इसको आपने बहुत सारे लोगों को वेयर करे हुए देखा होगा। तो इसमें ना आप कान का मिलता है, गले का मिलता है, हाथ का मिलता है, तो ये कुछ इस तरीके से है। काफी समय से मैं इसको देख रही थी, बट इसका प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहा था, जब मुझे प्राइस कम लगा ना तब मैंने इसको मंगवाया। सो ये इसका इस तरीके का मिरर वर्क है, देख सकते हैं इस पर जितने भी मिरर है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक भी मिरर इसमें निकला नहीं है, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एंड बिल्कुल फ्री साइज का है, इस तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इंडियन वेयर के साथ डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका जो घुंघरू है ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत लाइट वेटेड है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, अंदर से बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा, बिल्कुल प्लेन है। एंड ये इसका हैंड का है ब्रेसलेट, देन इसका नेकलेस भी है, तो मैं इसके नेकलेस को दिखाती हूँ आपको। तो ये है इसका नेकलेस, ये देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरीके से कुछ आएगा, आई थिंक इस तरीके से ना, हाँ राइट, इस तरीके से कुछ आएगा, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा, इस पे बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छा सा मिरर वर्क किया गया है, नीचे भी ये मिरर ही वर्क किया गया है, एंड इस पे आप ये नॉट बांधने के लिए है इस तरीके से, बट काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा, अगर आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, अगर आपका डीप नेक वाला ब्लाउज है तो आप डेफिनेटली इसको अकेले भी इसको वेयर कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड ये पास से मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं एक भी मिरर निकला नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये सेम इसके इयररिंग्स है, ये देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेटेड, इस पे भी आई थिंक मिरर का वर्क किया गया, बट इस पे जो मिरर है थोड़ा सा जो वर्क किया गया थोड़ा सा गंदा टाइप का लग रहा है, इसको साफ करना पड़ेगा, बट इस तरीके से, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, आप चाहे तो सिंगल भी इसको पहन सकते हैं किसी के साथ, इतना ज्यादा अच्छा है, आप इजली इसको कितनी भी देर तक पहन सकते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो ये है इस तरीके से इयररिंग्स इसके, तो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एलॉयिंग बेडेड ज्वेलरी, इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, एंड मैंने इसको ओपन किया था, बट काफी ज्यादा अच्छा मुझे रिसीव हुआ, ये कॉम्बो में है, ब्लैक एंड गोल्डन कलर में है, बट क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी, पैकेजिंग एंड ऑल बहुत ही अच्छे से रिसीव हुआ था। इसको ओपन करते हैं, सो ये कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं ऐसे में यहाँ से ओपन होगा,
ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक में है एंड थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये डिजाइन, इस पे ये डिजाइन बनी हुई है। किसी भी चीज के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं, बट मुझे ये पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा एंड मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, ये है कि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में, इस तरीके से भी आप करके वेयर कर सकते हैं किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ, क्योंकि आई थिंक इंडियन के साथ ये ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा, मैं डेफिनेटली इसको रिटर्न करूंगी। सो ये कॉम्बो में था, ये उसका ब्लैक वाला है। आई थिंक गोल्डन को ज्यादा ही अच्छा लग रहा है एंड काफी ज्यादा चमक भी रहा है, ब्लैक से ज्यादा अच्छा गोल्डन लग रहा है एंड काफी चौड़े में है, देख सकते हैं। इस पे बिल्कुल डिजाइन आपको पता चल रही, इस तरीके से कुछ डिजाइन दी गई है, बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, ब्लैक से ज्यादा मुझे गोल्डन अच्छा लगा। बट ये दोनों कॉम्बो में है तो दोनों ही लेना पड़ेगा, वरना दोनों ही रिटर्न करने पड़ेंगे, इस तरीके का कुछ है इसमें। इसमें आपको 4 to 5 कलर्स भी मिल जाएंगे, मल्टी कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक गोल्डन है, गोल्डन एंड एक और कलर है, तो उसमें आपको 3 से 4 कलर्स मिल जाएंगे। बट गोल्डन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, सामने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, शाइन भी बहुत ही ज्यादा कर रहा है एंड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी लग रही। तो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कोरियन इयररिंग्स और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत सारे लोगों को आपने इसको वेयर करे हुए भी देखा होगा एंड इसमें आपको 2 से 3 कलर्स भी मिल जाएंगे, बट बहुत ही ज्यादा अच्छे, आप किसी भी इसको आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी है। तो डेफिनेटली ये तो मैं रखने वाली हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी, क्वालिटी से इन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। कैसा लगा आपको ये मेरा मीशो ज्वेलरी हॉल और कैसा लगा ये कलेक्शन, और इनमें से आपको कौन सा पसंद आया ये आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा एंड ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप हॉल कौन सा देखना चाहते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।